विक्रम, मैं तुम्हें साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ ना? ये क्या कह रहे हो शिवानी तुम? मैंने कब कहा कि तुम पर साड़ी अच्छी लगती है? डर गए? आज तुम्हारे चेहरे पर पहली बार डर देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। शिबू, मुझे ये तुम्हारी गिफ्ट बहुत ही पसंद आई। अरे ये क्या, मैं कपड़े बदलने गई और तुमने मेरी साड़ी पहन ली? मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बाबा, साड़ी पसंद है ना, रख लो। विकी, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। बाय स्वीटी, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, सी यू लेटर। के बारे में बोलती रहती है। देखो, अरे चलो शिवानी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? कहाँ ले आई का क्या मतलब? तुम्हें पता है ना, हर सोमवार मैं शिवजी के मंदिर में आती हूँ। मैंने सोचा आज तुम्हें भी साथ ले आऊं। मैं मंदिर नहीं आ सकती। क्या शिवानी? माँ, क्या हुआ शिवानी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दीदी के घर जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिवानी मेरी बात तो सुनो। शिवानी, शिवानी तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। नंदिता तो किसी काम से अपनी फेरे क्या गई है। कम कम, कितने दिनों बाद तुम हमारे यहाँ आई हो ना? तीन साल के बाद हम लोग मिले। 3 साल बाद? अरे कल ही तो मिले थे हम लोग। हाँ, तुम जब एक्सकर्शन के लिए गए, पर वो तो एक ही हफ्ते की बात है। ये 3 साल का क्या मामला? हाँ, और ये जीजू से सीधा विक्रम। नानी माँ, नानी माँ, देखो कौन आया। क्यों, तुम भूल गए? तुम्हें कोई विक्रम भी कहता था? शिवानी क्या पहेलियां बुझा रही हो, 3 साल विक्रम क्या हो गया? सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं। याद है ना तुम्हारी परेशानियां, शैतानियां, शरारतें, सब याद है। और वो रात? रात कौन सी रात? डर गए ना चीचू? हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो, आज बदला ले लिया। हाँ बदला ले लिया तुमने, बहुत अच्छी तरह ले लिया बदला। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं शिवानी नहीं हूँ, कोई और है ना? हाँ। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, तुम तब तक नानी माँ के साथ बैठकर बात करो। नानी माँ देखो शिवानी आई है। हुँ? मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। हाय। अरे शिवानी, कितने दिनों के बाद आई हो, तुम्हारी तो आवाज सुनने के लिए कान तरस गए। लो अपने मन पसंद लड्डू खाओ। तुमने तो हमें भुला ही दिया बेटी। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ नानी माँ? क्या तुम
तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो बेटी? लड्डू खाओ ना। खाओ ना बेटी। आप मुझसे कितना प्यार करती है नानी माँ। हाँ हाँ, लड्डू खाओ बेटी, तुम खाओ। शिवानी, मैं लड्डू नहीं खा सकती। हाँ, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया है बेटी। अरे क्या कर रही हो? बदतमीज लड़की। तो कहा था ना कि हमेशा अपने करीब रखोगी मुझे। नहीं, तुम मेरे करीब नहीं रहना। तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? शिवानी रो मत, देखो एक तुम ही तो हो जिसके जरिए मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। अपनी आंखें बंद करो, शिवानी ये क्या? ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? शादी का जोड़ा कोई क्यों पहनता है? जब शादी का वक्त आता है तभी शादी का जोड़ा पहना जाता है। तो फिर मुझे भी शादी करनी है। शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तू अपनी पढ़ाई पूरी कर दे, अभी तो तेरी शादी में बहुत देर है। नहीं, मेरी शादी अभी हो जानी चाहिए। मुझे मालूम है इस उम्र में लड़कियों को कोई पसंद आ जाता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो मुझे राजेश खन्ना पसंद था। तुझे कौन पसंद है? शाहरुख खान, सलमान खान, कौन है तेरी पसंद? विक्रम है। विक्रम? मतलब विक्की? क्या पागलों जैसे बात कर रही है तू? वो तेरा जीजा है, नंदिता का पति है वो। मतलब मामा, जीजू जैसा कोई भी लड़का। तू फिक्र मत कर, जब तेरी शादी का वक्त आएगा तो तुझे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब ये कपड़े बदल और मेरी रेसिपी बुक ले यार, मैं तेरे लिए एक स्पेशल डिश बनाती हूँ। Thank you.
शिवानी, शिवानी क्या हुआ? क्यों रो रही है बेटी? शिवानी? मैं शिवानी नहीं हूँ। ऐसा मत बोल बेटी। मैं तुम्हारी बेटी भी नहीं हूँ। चली जा यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दे। चली जा। शिव बेटा चली जा। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पर अब क्या करें? विकी को भी आज ही दिल्ली जाना था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा डर सही है अर्चना। शिवानी पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। ओहो नानी माँ, आप भी आज के जमाने में इन सब बातों पे विश्वास करती हैं? जब इस जमाने में ऐसी बात हो रही है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना बेटी। जो भी हो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मैं अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकती। मैं तो चाहती हूँ कि उसे इससे छुटकारा मिले। मिलेगा, शिवानी को इस साये से छुटकारा मिलेगा बेटी। अंदर आ सकता हूं? आप कौन हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी? क्या इस वक्त आपके घर में कोई ऐसी घटना घट रही है जिसकी वजह से आप लोग सब बहुत परेशान हैं? हाँ। और ये सब कोई लड़की कर रही है? वो मेरी बेटी है। लेकिन आपको ये सब आपकी बेटी नहीं बल्कि वो आत्मा कर रही है जिसने इस वक्त आपकी बेटी में अपना बसेरा बनाया हुआ है। आप तो सब जानते हैं। आपने जैसे बताया सब वैसा ही हो रहा है। पर आप हैं कौन और आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर प्रसाद है और मैं सुपरनेचुरल पावर्स में रिसर्च कर रहा हूं। तंत्र मंत्र पे मैंने काबू पा लिया है और मैं हर उस घर में पहुंच जाता हूं जहां पे किसी आत्मा की परछाई ने तय कर लिया है कि मैं वो घर बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जहां तक मेरा बस चलेगा मैं किसी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। और आज ही मैं उस आत्मा को आपकी बेटी में से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपकी बेटी का नाम क्या है? शिवानी। शिवानी? और वो इस वक्त है कहाँ?
शिवानी शिवानी शिव चले जाओ यहां से, मेरा पीछा छोड़ दो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोड़ के तो तुझे जाना पड़ेगा, इस शरीर को भी, इस घर को भी। और जब तक तू यहां है ना, समझ ले मैं भी यहीं हूं। नहीं, इस शरीर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। कौन है तू, कहां से आई है? बोल, किया तो ऊपर आने के लिए क्या बात आई है, आप जाइए, मैं कहता हूं जाइए, आपकी जान को खतरा है। मम्मा इसकी बात मत सुनो मम्मा, मेरे पास आओ मम्मा, इतनी कठोर मत बनो मम्मा, मम्मा प्लीज। शिवानी शिवानी मुझे मारेगा बच्चे। कहां से आई, क्या क्या कर रही है? जाने की निशानी छोड़ गई है। शिवानी मेरी बच्ची। अब शिवानी की जान को कोई खतरा नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। उस आत्मा को मैं शिवानी के शरीर से निकालने में कामयाब तो हो गया, लेकिन अफसोस ये नहीं जान पाया कि उसने इस घर को, बेचारी शिवानी के शरीर को